तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन। और दोस्तों आईपीएल 2020 का प्रोमो आने के बाद क्या है सभी फैंस का रिएक्शन, तो दोस्तों मैं इन्हीं दो बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों बहुत ही डिटेल वीडियो है, मैं आपसे यही कहूंगा कि दोस्तों ये वीडियो पूरा टिल एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अब पहले अपडेट की, तो दोस्तों पहला अपडेट निकल के आ रहा है मोटेरा स्टेडियम को लेके। हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ मोटेरा स्टेडियम की, तो दोस्तों मोटेरा स्टेडियम इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बन के तैयार हो चुका है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके उद्घाटन की, तो दोस्तों इसका उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दोस्तों भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों फाइनली अब ये आखिरी मुहर लग चुका है कि मोटेरा स्टेडियम पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। और दोस्तों हमें ये बहुत ही जल्द हमें बीसीसीआई की तरफ से ये कंफर्मेशन मिलता हुआ नजर आ सकता है कि दोस्तों आईपीएल 2020 का कोई एकाध मैच हमें मोटेरा स्टेडियम में देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे काफी बड़े बड़े ट्वीट्स भी आ चुके हैं। मैं बात करूंगा विराट कोहली रोहित शर्मा के, दोस्तों ये ट्वीट कर चुके हैं कि मोटेरा स्टेडियम बनने के बाद इनका भी मन है कि मोटेरा स्टेडियम में ये आईपीएल का मुकाबला खेलते हुए नजर आए। तो दोस्तों बीसीसीआई बहुत ही जल्द इस पर कंफर्म कर सकता है कि दोस्तों आईपीएल 2020 का मुकाबला हमें एकाध जो कि मोटेरा स्टेडियम में देखने को मिल सकता है। और इस पर आखिरी जो मुहर लगना है बीसीसीआई का, वो बहुत ही जल्द हमें दिखता हुआ नजर आ सकता है आईपीएल 2020 के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बात करते हैं हमारे फाइनल और नेक्स्ट स्टोरी की। और दोस्तों ये स्टोरी जुड़ी हुई है आईपीएल 2020 के प्रोमो को लेके। हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ बीसीसीआई द्वारा आईपीएल 2020 का प्रोमो लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस पे फैंस के रिएक्शन की, तो दोस्तों इस पे काफी ज्यादा फैंस भड़के हुए हैं। क्योंकि दोस्तों इस प्रोमो में फैंस को ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2020 के तीन बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो कि एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा है, दोस्तों इनकी बुरी तरीके से टांग खींची गई है। तो दोस्तों आईपीएल 2020 के प्रोमो को देखते हुए दोस्तों फाइनली बीसीसीआई ने भी अपना रिएक्शन दिया है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं बीसीसीआई ने क्या कहा है आईपीएल 2020 के प्रोमो को लेके, तो दोस्तों बीसीसीआई ने ये कहा है कि दोस्तों इनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि इन तीनों खिलाड़ियों को बुरी तरीके से अगर मैं कहूँ तो टांग खींचा गया है। क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई ने ये कहा है कि इन तीनों खिलाड़ी जो कि आईपीएल के काफ़ी ज़्यादा दिग्गज खिलाड़ी हैं, और दोस्तों इन तीनों खिलाड़ियों के पीछे इनकी टीम काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है। और दोस्तों आईपीएल के हिस्ट्री में भी ये तीनों खिलाड़ी काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं। और दोस्तों इसीलिए बीसीसीआई ने इन तीन खिलाड़ियों को काफी ज्यादा हाईलाइट किया है इस प्रोमो में। और दोस्तों इसीलिए बीसीसीआई ये कहना चाह रही है कि इस प्रोमो में कुछ ऐसा एक्टिविटी किया है जिससे कि फैंस का भी रिएक्शन काफी अच्छा आ सकता हो। और दोस्तों अगर मैं बात करूं आईपीएल 2020 को देखते हुए, तो दोस्तों बीसीसीआई कुछ ऐसा करना चाहती है जो कि काफी ज्यादा फैंस को पसंद आए। लेकिन दोस्तों इस पे फैंस का रिएक्शन कुछ उल्टा ही हो गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं ये जो आईपीएल 2020 का प्रोमो आया है, ये तो एक तरीके से प्राइमरी प्रोमो ही रहने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी स्टार स्पोर्ट्स भी आईपीएल 2020 का प्रोमो रिलीज करने वाला है, जो कि दोस्तों काफ़ी जल्दी हमें दिखता हुआ नजर आ सकता है आईपीएल 2020 का प्रोमो, जो कि हर साल एक तरीके से स्टार स्पोर्ट्स भी करता है। और दोस्तों अगर फाइनली मैं बात करूँ फैंस इस प्रोमो से इतना ज़्यादा खुश इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ प्रोमोज की, तो दोस्तों वो प्रोमोज में कुछ गाना होना रहता था जो कि काफ़ी अच्छा लगता था फैंस को। क्योंकि दोस्तों आईपीएल 2020 में जो कि इतना जो प्रोमो था दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी की गई है जिसमें सॉन्ग्स नहीं डाला गया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ प्रोमोज की जो कि आईपीएल के आ रहे थे दोस्तों, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे सॉन्ग्स भी रहते थे और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्शंस भी देखने को मिलते थे। पूरा मिला के दोस्तों फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। लेकिन दोस्तों इस बार के प्रोमो में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है, इसीलिए दोस्तों फैंस को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ अभी स्टार स्पोर्ट्स भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रोमोज हमें लाता हुआ नजर आ सकता है आईपीएल 2020 के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिएक्शन मिल सकता है स्टार स्पोर्ट्स को फैंस के द्वारा आईपीएल 2020 के लिए। तो दोस्तों अब आप बताइए कि क्या ये प्रोमो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दोस्तों कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं, हम आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो एनालिसिस के साथ।